पिछले 10 वर्ष नीतियों निर्माण के आदरणीय सभापति जी सर नथिंग आदरणीय सभापति जी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नो आदरणीय सभापति जी टेक योर सीट नीति और निर्माण डजंट सूट योर पोजीशन नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए प्लीज टेक योर सीट जो दिशा हमें पकड़ी टेक योर सीट जो निर्माण कार्य हमने लिए हैं बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है आदरणीय सभापति जी हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं हम उसके लिए जाएंगे आदरणीय सभापति जी आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विस्तार पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना उस मोदी कवच को और मजबूत करने और ताकत देने वाले आदरणीय सभापति जी आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो आदरणीय सभापति जी हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए खाने में परहेजी रखिए ढिकना करिए फलाना करिए कहना क्यों कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए जो गरीबी से बाहर निकला है ना उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपकने जाए और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूबने जाए हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना उसके पीछे ये इरादा है परिवार में एक बीमारी आ जाए ना मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसलिए हम अनाज देते हैं अनाज देते रहेंगे किसी को बुरा लगे या न लगे 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं न्यू मिडिल क्लास हुए हैं लेकिन मुझे समझ है मैं उस दुनिया जी करके आया हूं उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी आदरणीय सभापति जी देश जानता है आदरणीय सभापति जी और इसीलिए मैंने गारंटी दी है मेरी गारंटी है गरीबों के 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी मेरी गारंटी है मोदी की गारंटी है 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही हैं जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है वो मिलता रहेगा आदरणीय सभापति जी मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए आदरणीय सभापति जी गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है अगर परिवार बड़ा होता है नया परिवार बनता है पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गारंटी है कि नल से जल हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी मेरा पक्की गारंटी है हम जारी रखेंगे ये काम सारे तेजी से चलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता
विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक बढ़ेगी, अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो, बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन, पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर यह प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना। पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी, आज मेरे मध्यम वर्ग के लाखों बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्थिति लाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लाखों रुपए बच जाए, मेरे देश के मध्यम वर्ग के सपने पूरे हो, बेस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे देश में हो, उच्चतम शिक्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चों का, उनके परिवार का पैसा बचे। उसलिए मैं कह रहा आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह पर न था। मैं देखने वाला हूँ 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान दें। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से व्यवस्था होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा, देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी। इलेक्ट्रॉनिक हर गुड में वो चीफ होगी जिसमें किसी न किसी भारतीय का पसीना होगा। आदरणीय साहब, दुनिया के इलेक्ट्रिक बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य आने वाले 5 साल में देश देखेगा। आदरणीय सभापति जी, आज देश लाखों करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम
ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम ऊर्जा जरूरतों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने में सफल होंगे। इसे इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ग्रीन हाइड्रोजन अभियान हम दुनिया के बाजार को लालायित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रहेगा। इथेनॉल की दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम 20% का लक्ष्य प्राप्त करके हमारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में सस्ता मिले इसकी व्यवस्था होगी। आदरणीय सभापति जी, जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है, किसानों की नई बचती है। देश के हजारों करोड़ रुपया आज खाद देते हैं, हम किसे कृषि प्रधान देश तो कहते हैं, लेकिन आज भी हजारों करोड़ रुपयों का खाने का तेल हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। हमारे देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मैं मुझे पक्का भी जो नीतियों को लेकर हम चलते हैं एडिबल ऑयल में मेरा देश बहुत एक आत्मनिर्भर 5 साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जेब में जाएगा जो आज विदेश के बाजार में जाता है। आदरणीय सभापति जी, केमिकल की खेती के कारण हमारी धरती माँ को बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले 5 साल में नेचुरल फार्मिंग की तरफ देश के किसानों को ले जाने में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, एक नया जागृति का काम होगा, हमारी धरती माँ की भी सुरक्षा होगी। आदरणीय सभापति जी, नेचुरल फार्मिंग बढ़ने से दुनिया के बाजार में भी हमारे उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है। आदरणीय सभापति जी, यूएन के माध्यम से मैंने मिलेट का अभियान चलाया, श्री अन्न तक के रास्ते आज हमने उसकी पहचान दी है। मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूँ जबकि आने वाले 5 साल में दुनिया के बाजार में सुपर फूड के रूप में मेरे गांव के छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा हुआ मिलेट श्री अन्न दुनिया के बाजार में प्रतिष्ठा होगी, सुपर फूड की प्रतिष्ठा होगी। आदरणीय सभापति जी, ड्रोन खेतों में एक नई किसानों की ताकत बन करके उभरने वाला है। 15,000 ड्रोन दीदी का कार्यक्रम ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत सफलता दिखती है। आदरणीय सभापति जी, हम नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने में प्रयोग अब तक सफल हुए हैं। हमने नैनो यूरिया में बहुत बड़ी सफलता पाई है, नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घूमने वाला किसान एक बोतल के खातर से काम चला लेगा, तो दूर नहीं है। आदरणीय सभापति जी, सहकारिता क्षेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, उसके पीछे इरादा है कि एक सहकारिता का पूरा जन आंदोलन नई ताकत के साथ उभरे और 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार उभरे, उसको भी हम और उसका सबसे बड़ा लाभ हम 2 लाख भंडारण का काम जो हाथ में लिया है जब 5 साल के भीतर भीतर वो पूरा हो जाएगा, छोटा किसान को भी अपनी पैदावार को रखने की जगह मिल जाएगी। किसान तय करेगा किस भाव से बाजार में बेचना है नहीं बेचना है, उसको जो बर्बाद होने का डर था वो खत्म हो जाएगा और किसान की आर्थिक ताकत बढ़ जाएगी। पशुपालन और मछली पालन पक्का मैं कहता हूँ नए रिकॉर्ड बनाने वाले। आज हमारे यहाँ पशु की संख्या है लेकिन दूध की उत्पादन कम है, हम स्थिति को बदल देंगे। फिशरिंग एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। हमने एफपीओ की जो रचना का प्रारंभ किया है अनुभव बहुत अच्छा है, 5 साल के भीतर भीतर किसानों की एक नई संगठन की शक्ति और कृषि उत्पादन में वैल्यू की ताकत, ये लाभ मेरे देश के किसानों को अवश्य मिलने वाला है। आदरणीय सभापति जी, G20 की सफलता ने साफ कर दिया है और दुनिया में कोविड के बाद जो खुलापन आया उस खुलापन का सबसे बड़ा लाभ हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज्म आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है, भारत में भी बहुत से राज्य ऐसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म होगा और वो दिन दूर नहीं है। जिन नीतियों को लेकर हम चल रहे हैं भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। आदरणीय सभापति जी, जिसका हिसाब किताब पहले बहुत कम हुआ करता था, जिसकी बातें सुन करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी, जब मैं डिजिटल इंडिया की चर्चा करता था, जब मैं फिनटेक की चर्चा करता था, तब मैं जरा आउट ऑफ बॉक्स के बातें कर रहा हूँ ऐसा लोगों को लगता था,
आउटडेटेड सोच वालों के लिए सामर्थ्य का अभाव था, लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूं आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। भारत एक नई और डिजिटल व्यवस्थाएं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। विश्व मानता है कि एआई का सबसे ज्यादा उपयोग कोई करने का सामर्थ्य किस देश में होगा, तो हिंदुस्तान में। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग मेरा देश करेगा। आदरणीय सभापति जी, स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, हमारे वैज्ञानिकों का पराक्रम नजर आना वाला, और आने वाले 5 साल का जो कार्यक्रम है ना, मैं आज उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन विश्व को अचंभित करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति, ग्रासरूट लेवल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव, 10 करोड़ स्वयं सहायता जूथों में हमारी माताएं बहनें जुड़ी हो, और 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी, ये अपने आप में हमारे बेटियों के उत्कर्ष की गाथा लिख करते हैं। आदरणीय सभापति जी, ऐसे अनेक विध क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में मैं साफ देख रहा हूं आने वाले 5 साल भारत कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब 5 साल में वो मजबूत नींव आएगी और 2047 तक पहुंचते पहुंचते ये देश उस स्वर्णिम युग को फिर से जीने लगेगा, उस विश्वास के साथ। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, और इसके लिए हम समर्पित भाव से हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है, उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। आने वाली सदियां इस स्वर्ण काल का इतिहास में अंकित करेगी, ये विश्वास मेरे मन में इसलिए है, देश की जनता का मिजाज मैं भली बात ही समझ पाता हूं। देश बदलाव के 10 साल के अनुभव को देखा है, एक एक क्षेत्र में जो बदलाव देखा है वो तेज गति से बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई ताकत प्राप्त होने वाली है, और हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ये हमारी कार्यशैली का हिस्सा है।